जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। विषय एक ऐसा चीज जो आप अपने पलंग के नीचे अगर रख देते हैं तो बहुत आसानी से आप अपना बात, अपना विचार से सामने वाले स्त्री पुरुष को प्रभावित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं। ये टोटका उपाय पहली बार मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप और बिना डाउनलोड किए कम से कम एक बार ईयरफोन लगाकर शांत चित्त से देखिए, शांति मन में शांति रख के वीडियो को देखिए। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ जाएगा और आगे अनुष्ठान करने में सुविधा भी होगा। आज का प्रयोग पद्धति अगर आप लोगों को पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट। मेरे चैनल के व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रकार का मंत्र लिखा रहता है। चोर लोग पूरा वीडियो को उठा लेते हैं, इसीलिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मंत्र देता हूं और साथ में ही विवरण बॉक्स में ही अनुष्ठान पद्धति फॉर्मूला रहता है। आप लोग अनुष्ठान करने से पहले जाकर मंत्र देखने के साथ साथ फॉर्मूला को भी देखिए, जो क्या बोल रहे हैं गुरुजी, किस फॉर्मूला को, किस प्रयोग को कैसे अनुष्ठान करने से मुझे सफलता मिलेगा। मेरे बताए हुए कोई भी अनुष्ठान के लिए आप लोगों को बिंदु मात्र पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के सहित धैर्य और अपने अपने गुरु से प्रार्थना करके आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगा 30 दिन के अंदर। लगातार 36 अलग अलग उपाय विधि मैं जो बोला वही लिख कर दे रहा हूं, ध्यान से धैर्य पूर्वक देखे और आगे बढ़े। मेरा निवास स्थान और मंदिर दोनों ही कलकत्ता में है, मैं बंगाल में रहता हूं, इसीलिए मिलना है मेरे से तो नेक्स्ट अनुष्ठान जो है 6/7/2023 यानी कि जुलाई में तारापीठ महाशमशान में अनुष्ठान करता हुआ मैं मिलूंगा। फोन लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा तारापीठ पहुंचिए, शमशान भूमि में मैं अनुष्ठान करता हुआ आप लोगों को दिख जाऊंगा। ये प्रयोग पद्धति आप लोगों को करना है मंगलवार या विशेष कोई शुभ तिथि से इस अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। शुभ तिथि को लेकर अलग सा वीडियो मेरे चैनल पर है, शॉर्ट वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो भी है। मैं अभी ज्यादातर, मेरे पास समय कम होने के कारण से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी तक अगर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो का बारे में पता नहीं लगा तो आप लोग मेरे चैनल के अंदर जाइए, वहां पर होम है, वीडियो सेक्शन है, शॉर्ट है, प्लेलिस्ट है, इत्यादि इत्यादि काफी सारे ऑप्शन है, आप लोग जाकर शॉर्ट वीडियो भी देखिए। अभी लगातार कुछ दिनों से शॉर्ट वीडियो ही चल रहा था, मेरे मंदिर में घर में काम चल रहा था, इसके लिए मुझे एकदम समय नहीं मिला, इसलिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से इतने दिन तक जुड़ा रहा। आज बहुत दिन के बाद मैं ये एक लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए जी हाँ ये अनुष्ठान आप लोगों को पसंद आया। लाइक कॉमेंट एवं शेयर एकमात्र मुझे पता लगाने का या मुझे बताने का एकमात्र उपाय है। ये अनुष्ठान मंगलवार दिन से शुरू कीजिए, विशेष कोई शुभ तिथि से शुरू कीजिए। अनुष्ठान शुरू करने के समय आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ये अनुष्ठान करेंगे आप लोग उस दिन आप लोग संपूर्ण शाकाहारी भोजन करके अनुष्ठान को एक दिन अप्लाई कर दे। अनुष्ठान एक दिन का है, अनुष्ठान का मतलब लोगों को पता नहीं है, लोग बोलते अनुष्ठान का मतलब क्या है, अनुष्ठान का मतलब है पूजा, अनुष्ठान का मतलब है टोटका, कोई भी कर्म करने का इसको अनुष्ठान बोला जाता है। अनुष्ठान, आज मुझे ये अनुष्ठान करना है, आज मुझे पूजा करना है, आज मुझे टोटका अप्लाई करना इत्यादि इत्यादि, ये जो कर्म है इसे अनुष्ठान मैं बोल रहा हूँ। ये अनुष्ठान करने के लिए शाकाहारी रहकर आप लोग रात को या दिन को आप लोगों को जब भी समय मिले आप लोग अनुष्ठान को शुरू करें, पूजा को शुरू करें। पूजा को शुरू करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, भोजपत्र मिलता है तो भोजपत्र लेके आइए, भोजपत्र नहीं मिलता है तो सफेद कागज में
आप लोगों को हल्दी लेके आना है, कच्चा हल्दी बाजार में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, खाने वाला कच्चा हल्दी, कोई काला हल्दी फल्दी नहीं है, जो हल्दी बाजार में आसानी से अवेलेबल है वही सारे चीज़ का प्रयोग मैं ज़्यादातर बताता हूँ, जिसको सभी लोगों को समझ में आ जाए और कम पैसे में साधन जुटा सके। कच्चा हल्दी लेके आए, कच्चा हल्दी को अच्छी तरह से पीसे, उसको लेप बनाए, लेप में थोड़ा सा आप लोगों को गुलाब जल और थोड़ा सा आप और हल्दी में आप लोग एक चिमटी कंकू डालना है। तीन आइटम हुआ, कच्चा हल्दी हुआ, गुलाब जल हुआ और थोड़ा सा एक चिमटी कंकू डालना है, उसको अच्छी तरह से लेप को मिला ले, कलर उसका थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप जो यंत्र वीडियो के अंदर किसी कोने में रहेगा उस यंत्र को आप लोगों को उसी दिन, अगर आप लोगों के पास साधन है तो अनार या चमेली के कलम से भोजपत्र के ऊपर या सफ़ेद कागज के ऊपर आप लोग उस सुंदर यंत्र को आप लोग अंकन कर ले। अंकन करने के साथ अभी यंत्र को सूखने दे। अगर आप लोग विधिवत पूजा जानते हैं तो माता बगलामुखी का पूजा उस यंत्र के ऊपर कीजिए, अगर नहीं जानते तो गुरु से प्रार्थना कीजिए। यंत्र को तांबे का, कांसे का, पीतल का, सोने का, चांदी का या किसी के पास कोई भी साधन नहीं है तो मिट्टी के पात्र के ऊपर यंत्र को स्थापन करके धूप दीप दिखाकर थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा चावल अक्षत उसके यंत्र के ऊपर देकर प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें, प्रभु मैं अमुक मनोकामना हेतु आज इस यंत्र का प्रयोग कर रहा हूं। बहुत सुंदर एक दिन का अनुष्ठान है, यंत्र प्रयोग है ये, इससे माता बगलामुखी आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगा। और ये अद्भुत टेक्निक पहली बार आप लोगों को मैं बोल रहा हूं। ये अद्भुत टेक्निक किस लिए अद्भुत बना, इसको शास्त्र में गुटी का प्रयोग भी बोला जाता है। आप लोगों को काफी सारे लोगों को पता है गुटी का प्रयोग, इसको गुटी का प्रयोग भी बोला जाता है। मेरे चैनल पर हर समय यूनिक कंटेंट, ऐसा अनोखा प्रयोग मैं लाता हूं जो आप लोगों को पहले कभी नहीं सुनाई दिया। मैं किसी का कंटेंट नहीं चुराता, लोग मेरा कंटेंट, मेरा फोटो चुरा चुरा कर कमेंट करते हैं। इसीलिए सावधान रहे, तंत्र गुरु चैनल का एक ही फोन नंबर है, एक ही नंबर पर फोन भी होता है, उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर बात भी होता है। आज तक तंत्र गुरु चैनल के व्हाट्सएप से किसी के पास कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज नहीं गया, इसीलिए इस बात को दिमाग में रखकर आगे किसी से बात करें, तंत्र गुरु का फेस लगा सकता है लेकिन तंत्र गुरु का विचार चुरा नहीं सकता। आशा करता हूं समझ गए आप लोग। तो ये गुटी का प्रयोग से नाम से भी जाना जाता है, ये सुंदर तांत्रिक प्रयोग जो प्रस्तुत कर रहा हो, यंत्र को धूप दीप से पूजा करें, दिखाए और आरती करने के बाद अगर आप लोग विधिवत यंत्र को पूजा करना जानते हैं, आप लोग सीखे हैं, तो जरूर आप उस यंत्र को विधिवत माता बगलामुखी का पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि उपचार से माता बगलामुखी का पूजा भी कर सकते हैं। जो नहीं जानते अपने अपने गुरु से प्रार्थना करें, गुरु भी नहीं है तो गुरु गोरखनाथ या देवादिदेव महादेव को गुरु मानकर प्रार्थना करें। भगवान आपका मन का विश्वास देखेगा, किस क्या उद्देश्य है देखेगा, किस उद्देश्य से आप ये प्रयोग कर रहे हैं सचमुच वो आपको चाहिए या नहीं ये देखेगा। बाकी मुझे इतना ज्ञान है, आगे कुछ भी और हो सकता है, भगवान का कुछ और भी नजरिया हो सकता है, सोचने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इतना लगा, मैं आप लोगों से शेयर किया। तो अभी ये गुटी का किस लिए गुटी का नाम से जाना जाता है, अभी जो यंत्र को आप लोग लिखे, अभी जो पेस्ट बनाए, उस यंत्र को अच्छी तरह से लाल धागे से उसको लपेट ले, अच्छी तरह से लाल धागे से उसको लपेट ले। लपेट ले लेने के बाद अभी जो आप लोग पेस्ट बनाए, वो पेस्ट को अच्छी तरह से यंत्र के ऊपर अच्छी तरह से उसको लेपन कर दे, सूख जाए एक बार, फिर से एक बार और लेपन कर दे, फिर से और एक बार लेपन कर दे। ऐसे दो तीन बार लेपन करने के बाद एक गुटी का आकृति में बनेगा, यानी कि एक बॉल, छोटा सा बच्चा बॉल के जैसा वो बनेगा। ये छोटा सा बॉल जब आप लोगों को बन जाएगा, छोटा सा बॉल को आप लोगों को सामने रखकर फिर से धूप और दीप दिखाना है, फिर से धूप और दीप और फूल और पुष्प से और अक्षत से फिर से इसको पूजा करना है, माता बगलामुखी का स्मरण पूर्वक प्रार्थना करना है,
अमुक मनोकामना माँ के श्री चरणों में निवेदन करना है। जिस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं गुटिका को सामने रखकर उस व्यक्ति का स्मरण ध्यान उस व्यक्ति का धारणा आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा करने से गुटिका तुरंत एक्टिव हो जाता है और गुटिका में प्रबल शक्ति उत्पन्न हो जाता है और उस यंत्र का प्रभाव से मंत्र का प्रभाव से सामने वाला जरूर प्रभावित होगा और बिंदु मात्र पैसा खर्च। जो आज तक कंटेंट में डाला आप लोगों के लिए मेरे चैनल पर उसमें एक पैसा का खर्चा नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास के सहित मेरे बताए हुए वाक्यों को वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो सिस्टम जो पद्धति जो फॉर्मूला रखता हो उस फॉर्मूला को देखते जाइए और अप्लाई करते जाइए। अभी आता हूं दूसरे पॉइंट में। इस प्रयोग से आप आकर्षण वशीकरण स्तंभन आदि कर्म भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को गुटिका बनाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं गुटिका ही प्रयोग का समाप्ति, ध्यान से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को वशीकरण करना है तो गुटिका ही प्रयोग का समाप्ति माना जाता है। गुटिका को क्या करना है, आगे मैं आ रहा हूं पॉइंट पर। अगर आप उस गुटिका से स्तंभन आदि प्रयोग करना चाहते हैं, स्तंभन पर ही इस गुटिका प्रयोग को समाप्ति करूंगा। इस गुटिका प्रयोग से उच्चाटन विदेशन आदि कर्म भी किया जा सकता है। आइटम जो लेप आप लोग बनाए लेप में थोड़ा परिवर्तन होगा, हल्दी तो रहेगा, हल्दी के साथ साथ और कुछ आइटम उसमें ऐड होगा, लेकिन उस प्रयोग को मैं स्किप करके छोड़ दे रहा हूं। अभी मैं स्तंभन तक ही सीमित हूं। पार्ट टू स्तंभन अगर आप लोगों को प्रयोग करना है तो स्तंभन प्रयोग के लिए आप लोगों को क्या करना है, गुटिका को उसी दिन उठाना है पलंग का जो पहिया होता है, पलंग के पहिया को थोड़ा सा उठाइए और गुटिका को नीचे रखकर पलंग के पहिया को दबा दीजिए। इससे बहुत तीव्र स्तंभन होगा। स्तंभन यानी कि दिमाग काम करना बंद कर देगा, शत्रु आपके विरोध में खड़ा है, मामला कर दिया, मुकदमा कर दिया, बहुत ही भयंकर परिस्थिति आपके जीवन में चल रहा है, कोर्ट केस इत्यादि 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 केस से जर्जरित है आप, ऐसे परिस्थिति में सब चीज को रोकने के लिए शत्रु का आक्रमण को रोकने के लिए ये गुटिका साधन का प्रयोग कर सकते हैं। माता बगलामुखी का ये एक ब्रह्मास्त्र रूपी प्रयोग है और बहुत ही कम समय में एक दिन का समय लेकर अगर आप लोग करते हैं सक्सेसफुल जरूर होंगे। अभी आ रहा हूं वशीकरण आकर्षण स्तंभन आदि कर्म में। इसमें वशीकरण आकर्षण स्तंभन आदि सभी गुण सभी शक्ति भरपूर मात्रा में है, बिंदु मात्र शक ना करे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जिन लोगों के मन में शक है तो बिल्कुल ना करे, नहीं होगा, मैं सामने से बोल रहा हूं नहीं होगा। शक है करोड़ों रुपया लाखों रुपया हजारों रुपया खर्चा करके काम करवाओ बिल्कुल होगा। झूठ जिन लोगों को ज्यादा पसंद है वो लोग मेरा चैनल ना देखे, मेरे चैनल पे झूठ नहीं है, स्पष्ट बात है, सुनने में खराब लगेगा कान में चुभेगा, अगर स्पष्ट बात सुनना है तब मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। अभी तक पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक करके वीडियो को आगे पहुंचाइए अपने सर्कल पर। ये वशीकरण प्रयोग करने के लिए तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वशीकरण प्रयोग करने के लिए आप लोगों को चाहिए जो घूर काइट उड़ाने के समय जो एक लाटाई बंगला में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सूता लपेटने के लिए जो ऐसे हम लोग उड़ाते हैं ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, हिंदी में उसका मैं देखकर मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी कीवर्ड जानो तुम मेरे का लाटाई के है, जानो तुम, जानो ना, मेरे पत्नी को भी हिंदी में क्या बोलते हो उसको भी पता नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। वो जो लटाई जिसको बोला जाता है उस लटाई या लपेटने वाला कोई चीज होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको गुटिका को एक धागे से बांधना है या ऐसा भी कर सकते हैं गुटिका को एक कपड़े में रखे, पोटली आकृति में कपड़ा को बांधे, कपड़ा का मुंह थोड़ा बड़ा होना होकर हो ऐसे होगा और धागे से उसको अच्छी तरह से बांधकर एक लाठी एक लकड़ी से उस धागे को बांधकर ऐसे गुटिका को घुमाना है। आया समझ में, गुटिका को उस धागे से बांधना है या गुटिका को एक कपड़े के अंदर डालकर कपड़े को पोटली आकृति में बनाए, पोटली को अच्छी तरह से बांधे, पोटली का धागा ऐसे निकल रहा आएगा, वो धागा एक लकड़ी के एक बिल्कुल एंड पोजीशन में बांधा हुआ रहेगा, लकड़ी को ऐसे आप लोग हाथ में पकड़े और लकड़ी को ऐसे घुमाते जाइएगा।
जब भी आपको समय मिले लकड़ी ऐसे घुमाएगा तो गुटी का भी धागे से बना हुआ है, वो भी गुटी का भी ऐसे आपके माथे के ऊपर ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे जब घूमता रहेगा सामने वाला व्यक्ति का दिमाग भी घूमता रहेगा, चकरा जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा जब तक आपसे बात नहीं करेगा। ये प्रयोग भी ऐसा है, इसलिए सावर तंत्र मंत्र का प्रभाव कोली काल में इतना ज्यादा है। अभी आने वाले हफ्ते में मैं आप लोगों के लिए अजीबो गरीब तांत्रिक टोटका प्रयोग लेके आ रहा हूं। ये टूना टोटका मिश्रित प्रयोग है, ऐसा अद्भुत प्रयोग सारे जगह में भी आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस प्रयोग में कोई मंत्र नहीं है, तंत्र ही तंत्र है। देखने के लिए, जानने के लिए, फ्री में सीखने के लिए तंत्र गुरु चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर देखें। गुटी का जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक दिन में कभी भी 10, 15, 20, 25 कभी भी समय मिले आप लोगों को गुटिका को घुमाते जाना है। जब आपका गुटिका आपके हाथ से नीचे गिर जाए या टूट जाए तब आपका प्रयोग समाप्ति जान लीजिए, तब आपका प्रयोग समाप्ति जान लीजिए। गुटिका को उठाकर विसर्जन कर दे, नदी में प्रवाहित कर दे। नदी नहीं है तो कोई बरगद का, पीपल का पेड़ में थोड़ा सा जड़ में थोड़ा सा मिट्टी को गड्ढा करके गुटिका को डालकर मिट्टी को दबा दीजिए। प्रयोग समाप्ति आपका हुआ। गोरखनाथ जी के कृपा से आप लोगों को 24 घंटे के अंदर सुप्रभाव या रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा परिस्थिति है, कैसा प्रयोग मैं आज आप लोगों के लिए बताया। ध्यान रखिए किसी भी भाई स्त्री पुरुष के ऊपर वशीकरण आदि कोई तांत्रिक प्रयोग ना करें, ये महापाप है। आगे आप लोगों का इच्छा। तंत्र गुरु, मुझे जितना पता था मैं बताया, लंबा वीडियो बनाया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। प्रयोग को यहीं पे विराम देता हूं। मैं शुक्रवार से आप लोगों के लिए एक धारावाहिक प्रयोग पद्धति लेके आ रहा हूं, अजीब गरीब तांत्रिक टोना टोटका प्रयोग। देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। हरिओम तत्सत।